शर्लिन चोपड़ा ने शॉर्ट ड्रेसिंग में उर्फी जावेद को भी पीछे छोड़ दिया। शर्लिन चोपड़ा जो अपने बोल्ड रोल की वजह से हमेशा सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं, आखिर अब इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि पूरे सोशल मीडिया पर शर्लिन चोपड़ा ही छाई हुई हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोग्राफीज केव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शर्लिन चोपड़ा के बारे में। शर्लिन चोपड़ा बहुत टाइम से कंट्रोवर्सी में रहती हैं, चाहे वो फिल्म में बोल्ड रोल की वजह से हो या फिर प्लेबॉय मैगजीन में बोल्ड फोटोशूट की वजह से, वो हमेशा चर्चा में रहती हैं। ये प्रोफेशन से एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं। इनका जन्म 11 फरवरी 1984 को हैदराबाद इंडिया में हुआ और 2023 के हिसाब से ये इस वक्त 39 इयर्स की हो चुकी हैं। इन्होंने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज की पढ़ाई हैदराबाद से ही की। इनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एज अ मॉडल की। शर्लिन ने 1999 में मिस इंदिरा का टाइटल भी अपने नाम किया। इन्होंने अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत साल 2002 में एक तेलुगु मूवी से की। इन्होंने साल 2005 में हिंदी मूवी टाइम पास से अपना पहला हिंदी फिल्म में डेब्यू दिया था। इसके बाद ये साल 2009 में बिग बॉस सीजन 3 में भी नजर आईं, जिसके बाद इनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होने लगा। इन्होंने बहुत से म्यूजिक एल्बम में एज अ मॉडल काम किया। ये अपने माता पिता के साथ हैदराबाद में ही रहती हैं, लेकिन हाल ही में शर्लिन चोपड़ा की कुछ वीडियोस को लेकर सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है। इन्होंने शॉर्ट ड्रेसिंग करने में उर्फी जावेद को भी पीछे छोड़ दिया। आपको बताते चलें कि शर्लिन चोपड़ा और राखी सावंत के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती थी। ये दोनों हर पार्टी में, हर इवेंट में एक दूसरे के साथ मजाक करती हुई दिखाई देती थी। मगर अचानक ये कहा जाने लगा कि राखी सावंत का घर शर्लिन चोपड़ा ने ही तोड़ा। दरअसल ये कहा जा रहा है कि शर्लिन अब आदिल खान दुरानी को डेट कर रही है, जिसकी वजह से आदिल खान दुरानी ने राखी सावंत से दूरी बनाई। आदिल को डेट करने से पहले शर्लिन काफी अरसा तक साजिद खान को भी डेट करती रही, और आजकल ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ काफी ज्यादा वीडियोस अपलोड करते हैं, जिसमें ये अपने रिलेशनशिप के बारे में खुलकर बात करते हैं। इस तरह शर्लिन फिर से एक बार कंट्रोवर्सी में आ गई हैं। इनकी ड्रेसिंग को लेकर इन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल होना पड़ता है। जब शर्लिन को आदिल खान दुरानी के साथ रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा ट्रोल होना पड़ा, तो इस पर शर्लिन का कहना था कि हम दोनों तो बहन भाई हैं। शर्लिन का ये कहना था कि इनके फैंस ने इन्हें आड़े हाथों लिया। वेल, शर्लिन चोपड़ा किसी न किसी तरह हर टाइम कंट्रोवर्सी में रहती हैं और सोशल मीडिया पर हर वक्त बनी रहती हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। लोग कह रहे हैं कि शर्लिन ने उर्फी को पीछे छोड़ दिया। उर्फी जावेद तो अभी शर्लिन चोपड़ा के सामने बच्ची हैं। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।